एक और कोविड की तीसरी वेव के संभावित खतरे से सेहत विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता आजकल बिना मास्क ऐसे घूम रही है जैसे कोरोना से जंग जीत चुकी हो। बाजारों की तो छोड़ें, अस्पताल जैसे बेहद रिस्की स्थान पर भी लोग बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। अब इन्हें कौन बताए कि कोरोना महाशय कहीं गए नहीं है। ये भाई साहब बस पिछली जंग की थकान मिटाने के लिए थोड़ा सुस्ता रहे हैं, कभी भी हमारा कॉलर पकड़कर इसी अस्पताल के बिस्तर पर पटक सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन उससे फ्रेंडली भी तो नहीं होना है। जान है तो जहान है। एक बार कोरोना परलोक सिधार जाए, फिर कर लीजिएगा अपनी मनमानी और शौक से घूमिएगा सिविल अस्पताल में, वो भी बिना मास्क के। लेकिन फिलहाल सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रति जो तीजी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा तो आती भी है शायद आ जाए, क्योंकि केस कुछ समय तो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे इंडिया में कुछ स्टेट में काफ़ी केस हैं तो लगातार वाधा हो रहा। उत्थे पंजाब विच भी आपां दूजी लहर ते काबू पा लिया है। तीजी लहर ते काबू पाउण लई आपां नूं वैक्सीनेशन दे नाल नाल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिस तरह पहलां रखिया वो रखना बहुत जरूरी है। और सब पब्लिक नूं मेरी बेनती है कि हर वेले मास्क बन के रखन, बाकी थावां ते ना जाण, बार बार हाथ धोण अते जो सोशल डिस्टेंस है उस ते अमल करना। हर थान जिथे भी कोई भीड़ वाली है उतों के जो भी अधिकारी हैं इंचार्ज हैं उन्होंने बार बार कहा जा रहा है कि आम पावले के जागरूकता फैलाई जाए कि कोऑपरेट बिहेवियर अपना के रखा जाए, नहीं तो सरकार वांगू जिदा पहला सरकार ने सख्ती की है सरकार ने फिर सख्ती करनी पै सकती है और लॉकडाउन वर्गिया स्थितियां उत्पन्न ना हो दी जाए। इस बारे आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा, जो मेडिकल अफसर या स्टाफ है उन्होंने भी कहा जा रहा भी जो भी तुम जिस भी व्यक्ति के नाल कोई साडा हुंदा है संबंध उसनू कहा जाए भाई पहला मास्क पा फिर असी तेरे नाल गल करांगे, नहीं तो असीं कोई मेडिसिन नहीं देवे कोई टेस्ट नहीं करा उन यकीनी बनाया जाए। वैक्सीन जिस तरह पंजाब घट चल रही है पर जिस तरह वैक्सीन आई जा रही है जिते भी अवेलेबिलिटी वैक्सीन की होंगी है किसी व्यक्ति लिए वो जरूर लाई जाए, क्योंकि इस नाल ही सानू बीमारी ते काबू पाने च जो स्कूल खोले गए हैं पूरे अपने जो होम डिपार्टमेंट से जो साड़ी सेहत विभाग वख वख दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं जो हालात देख के किए जा रहे हैं वो फैसला लिया गया है। तो नाल ही जिदा साडे सेहत मंत्री साहब ने दस्या है कि जे किसी स्कूल एक बच्चा ही पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे पूरी क्लास क्वारंटाइन की जाए 14 दिन लिए, जे दो बच्चे पाए जाते हैं तो पूरे पूरा स्कूल 14 दिन लिए बंद किया जाएगा और कोविड की हालात का पूरा पालन किया जाएगा। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. प्लस टू तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही।
अब पठानकोट मामून में खुल चुका है इंपोर्टेड फ्लावर डेकोरेशन की दुनिया में नया नाम फर्न्स एंड पेटल्स, जिसमें आपको मिलेगी फ्लावर डेकोरेशन यूनिक एंड स्टाइलिश। आवर स्पेशलिटीज ऑर्डर बाय फोन, फ्री होम डिलीवरी, फ्लोरल अरेंजमेंट्स फॉर ऑफिसेज, डेकोरेशंस फॉर वेडिंग फंक्शंस, रूम डेकोरेशन, कार डेकोरेशन, आर्टिफिशियल एंड ड्राइड फ्लावर्स, ट्राउजर पैकिंग, वेडिंग गार्लैंड्स, डेकोरेशन फॉर स्मॉल पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेज एंड फैशन शोज। सो विजिट टू फर्न्स एंड पेटल्स, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, नियर कैप्सन्स रोजी रोड, मामून, पठानकोट। Raghi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior wall, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali. Aapki kalpanik soch ko utare aakar mein aur aakar savare. Ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot.